नमस्कार दोस्तों, 100 दिन में एग्री एंड क्वालिटी एक्सपर्ट बनी। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेरी ये सीरीज YouTube पर चल रही है और आज मैं पेश कर रहा हूँ 24वां एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगा सेब की क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेब की क्वालिटी के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा सेब के बारे में आपको बता देता हूं कि इंडियन एप्पल, जो हमारे यहाँ एप्पल जो ग्रो होता है वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये दो मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर लगभग 98-90% एप्पल का प्रोडक्शन होता है। और ये एप्पल का प्रोडक्शन मिड जुलाई से शुरू हो जाता है मार्केट में आना और नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक चलता रहता है। शुरुआत में मार्केट के अंदर हिमाचल का एप्पल आता है और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का एप्पल आता है 2-3 महीने बाद। हिमाचल का एप्पल मार्केट में जब आता है शुरू में, तो वो कुछ ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा इमेच्योर होता है, स्टार्ची होता है, लेकिन आपको जब मिलेगा मार्केट में तो आपको बिल्कुल लाल कलर दिखाई पड़ेगा। तो वो जो रेड कलर एप्पल है, लेकिन एक्चुअल में अंदर वो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एप्पल क्रॉप स्टार्ट हुई और फार्मर्स उसको अधिक मुनाफा कमाने के लिए पहले ही तोड़ लेते हैं और मार्केट में भेज देते हैं, और उसका लाल कलर करने के लिए वो एथरल का स्प्रे करते हैं पेड़ के ऊपर, जिससे उसका कलर लाल हो जाता है। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जितनी हाइट का एप्पल होगा, यानी जितने ऊंचे पहाड़ पर एप्पल होगा, उतनी उसकी एप्पल की क्वालिटी अच्छी होगी। जितना लोअर हिल्स का, नीचे की पहाड़ियों का एप्पल होगा, उतनी क्वालिटी इन्फीरियर होगी। आपने सुना होगा किन्नौर एप्पल बिल्कुल रेड कलर का होता है और बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही प्रिफर किया जाता है। तो किन्नौर हाईएस्ट हिल है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर वो एप्पल होता है उसकी क्वालिटी बेस्ट मानी जाती है। दूसरा एक फैक्ट एप्पल के बारे में आपको बता दूं कि जितना स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जिन सालों में स्नोफॉल ज़्यादा होता है, उतना एप्पल के लिए बेनिफिट होता है एप्पल प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो एप्पल का प्रोडक्शन बम्पर होगा, क्रॉप ज़्यादा होगी, फ्रूट क्वालिटी अच्छी होगी, फ्रूट साइज बड़ा होगा। तो स्नोफॉल से भी इसका रिलेशन है। तो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए एप्पल के, अब आप मूल वीडियो पर आ जाते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको एप्पल की क्वालिटी चेक कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। तो एप्पल की क्वालिटी चेक करने के 6-7 पॉइंट्स हैं, 6-7 चीज़ें जो आपको चेक करनी चाहिए। उसमें पहली चीज आती है फ्रेशनेस। अगर एप्पल फ्रेश नहीं होगा तो यू कैनॉट से उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। फ्रेशनेस, चाहे वो एप्पल हो या कोई दूसरा फ्रूट हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर माल फ्रेश नहीं है तो इसका मतलब वो पुराना माल है, पुराना रखा हुआ माल है, उसका अपीयरेंस ठीक नहीं होगा और उसका टेस्ट ठीक नहीं होगा। तो फ्रेशनेस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, आप खुद उसको जज कर सकते हैं, आपकी आंखें बता देंगी, आपके हाथ बता देंगे, जब एप्पल आप टच करेंगे या आप उसको देखेंगे, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये एप्पल फ्रेश है कि नहीं। अगर एप्पल फ्रेश नहीं है तो आपको डल लुक लगेगा। तो फ्रेशनेस पहला क्राइटेरिया है एप्पल की क्वालिटी चेक करने का, तो एप्पल शुड बी फ्रेश। देन कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एप्पल में। वैसे तो डिफरेंट कलर्स के एप्पल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन बात कर रहे हैं रेड वैरायटीज ऑफ एप्पल। तो मैं आपको मेन वैरायटीज भी बता देता हूँ एप्पल की। जो ज़्यादा पॉपुलर वैरायटीज हैं इंडिया के अंदर, वो है रॉयल डिलीशियस, रिच रेड, रेड डिलीशियस, जेके डिलीशियस, कुल्लू डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस,
और एक कुछ कुकिंग वैरायटीज भी होती हैं जो कि जिनका टेस्ट स्वीट सावर होता है और जो कुकिंग में यूज की जाती हैं। और एक किन्नौर का एप्पल, किन्नौर वैरायटी नहीं है बट किन्नौर एक जगह है जहाँ पर एप्पल प्रोड्यूस होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एप्पल के अंदर। जितना ज़्यादा कलर होगा सेब के ऊपर उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी मानी जाती है। दोस्तों मार्केट के अंदर अगर आप खरीदने जाएंगे एप्पल, अगर वो बिल्कुल लाल रंग का होगा, 90% से ज़्यादा उसका सरफेस रेड होगा या 100% रेड होगा, वो आपको सबसे महंगा मिलेगा। जितना कलर उसका कम होगा, उसका रेट गिरता जाएगा, वो सस्ता मिलेगा। तो एप्पल का कलर जो है अलग अलग ग्रेड में अलग अलग हिसाब से पैक किया जाता है। जब एप्पल पेड़ से हार्वेस्ट किया जाता है तो उसमें सभी तरह के साइज होते हैं और सभी तरह का कलर होता है। कुछ में कलर कम होता है, कुछ में कलर ठीक ठाक होता है, कुछ में कलर ज़्यादा होता है। तो एप्पल की जो ग्रेडिंग की जाती है वो कलर के हिसाब से की जाती है। तो एप्पल की जनरली 6 ग्रेड बनाए जाते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और एक छठा ग्रेड होता है जो कि रिजेक्टेड माल, जिसमें बहुत ही छोटे एप्पल डाले जाते हैं जो कि प्रोसेसिंग में काम आते हैं। तो जो जो मैंने ग्रेड्स बताए, इसमें सबसे पॉपुलर ग्रेड जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे ज़्यादा लोग स्टोर करते हैं वो है मीडियम और लार्ज एप्पल। मीडियम और लार्ज साइज का एप्पल सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, सबसे महंगा बिकता है। एक्स्ट्रा लार्ज एप्पल खाने में अच्छा होता है लेकिन उसको स्टोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें स्टोर में उसकी स्टोरेज लाइफ कम होती है और वो काफ़ी प्रोन होता है डिफेक्ट्स में, गिर गया, कुछ टच हो गया, उसमें टचिंग प्रेशर स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। और स्मॉल एप्पल लोग प्रिफर करते हैं, वो थोड़ा सस्ता मिलता है, कई लोग उसको खरीदते हैं और उसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी होती है। एप्पल जितना छोटा होगा उसकी स्टोरेज लाइफ उतनी ज़्यादा होगी और जितना बड़ा होगा उसकी स्टोरेज लाइफ उतनी कम होगी। तो एप्पल का जितना कलर ज़्यादा होगा, 90% से ज़्यादा कलर जो होता है वो प्रीमियम ग्रेड माना जाता है, और अगर कलर 75% से 90% होता है तो ग्रेड ए होता है, और कलर अगर 60% से 75% के बीच होता है तो ग्रेड बी का एप्पल होता है वो, और अगर 60% से नीचे कलर होता है तो ग्रेड सी में आता है। तो इस तरह कलर को डिफाइन किया जाता है डिफरेंट ग्रेड्स में। सो जो ज़्यादा रेड कलर है वो प्रिफर किया जाता है, तो एप्पल शुड बी रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। थर्ड पैरामीटर है जो एप्पल चेक करने का, वह अपीरियंस, उसकी जो लुक है, उसकी जो शाइनिंग चमक है या उसमें जो ग्लॉस है, उसको देख करके आप बता सकते हैं कि एप्पल कैसा है। अगर एप्पल में अपीरियंस का दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसमें शाइनिंग है, उसमें चमक है, ग्लॉस है, तो वो एप्पल बेस्ट माना जाता है। कुदरत ने एप्पल को एक नेचुरल लेयर प्रोवाइड किया। आपने देखा होगा जब एप्पल को हार्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर एक वाइटिश लेयर होती है जिसे ब्लूम बोलते हैं, ब्लूम, उसको नेचुरल वैक्स भी बोलते हैं। वो नेचुरल वैक्स बेसिकली एप्पल के लिए एक प्रोटेक्शन है, वो जब तक रहती है तो एप्पल की क्वालिटी मेंटेन रहती है। जब वो वैक्स उतर जाती है तो एप्पल में ड्यूटरेशन भी फास्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेशनेस, कलर, अपीरियंस, इसके बाद जो पैरामीटर होता है एप्पल क्वालिटी चेक करने का वो है मैच्योरिटी। सभी फ्रूट्स की तरह एप्पल भी मैच्योर होना चाहिए। अगर एप्पल मैच्योर होगा तो तभी वो राइपन्ड हो सकता है, इमैच्योर एप्पल राइप नहीं होगा। उसमें जब वो आप उसे रखेंगे तो उसमें शिवलिंग आ जाएंगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, इवन हार्वेस्ट, इवन स्टोरेज के लिए भी मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने इमैच्योर एप्पल स्टोर में रख दिया लंबे समय तक, वो सारा एप्पल खराब हो जाएगा। तो सही मैच्योरिटी का एप्पल स्टोर में रखना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक अलग मैच्योरिटी के ऊपर अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ बात करते हैं कि मैच्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्पल। सो जो मैच्योर एप्पल होगा, जैसे आपको पता है एप्पल क्लाइमेटिक फ्रूट है, मतलब तोड़ने के बाद वो पकता है। अगर आप उसको एप्पल को रख देते हैं
हार्ड एप्पल तो धीरे धीरे सॉफ्ट होता है और उसमें शुगर परसेंटेज बढ़ती है, स्टार्च परसेंट कम होती है, शुगर बढ़ती है, तो वो एप्पल मीठा होता है। तो मैच्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैच्योरिटी मिनिमम कम से कम 75% मैच्योरिटी एप्पल में होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगला पैरामीटर है क्वालिटी चेक करने का वो है हार्डनेस या क्रिस्पीनेस। हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल शुड बी हार्ड। अगर आप उसको टच करें, दबाएं, तो दिखने में हार्ड होना चाहिए, भारी होना चाहिए। अगर आप हार्डनेस चेक करना चाहें तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है पेनिट्रोमीटर, उससे आप हार्डनेस चेक कर सकते हैं और वो जो रीडिंग है पेनिट्रोमीटर की वो 14 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 14 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से ज़्यादा है तो एप्पल हार्ड माना जाता है। अगर एप्पल हार्ड होगा तो क्रिस्पी भी होगा, उसको जब आप खाएंगे या उसको दांतों में काटेंगे तो एक अलग सी आवाज आएगी, क्रिस्पीनेस आएगी। तो क्रिस्पीनेस प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो एप्पल क्रिस्प नहीं होते, जो बिल्कुल जैसे आलू आप खाते हैं आलू की तरह टेस्ट होता है, वो एप्पल में हार्डनेस भी नहीं होगी और उसका टेस्ट भी नहीं होगा, जूस भी कम होगा। तो हार्ड और क्रिस्पी एप्पल में सबसे ज़्यादा जूस होगा, सबसे ज़्यादा मिठास होगी। तो हार्डनेस और क्रिस्पीनेस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगला फैक्टर जो क्वालिटी का है वो है साइज। साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एप्पल में भी एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज बनाए जाते हैं। इन साइजों के अलग अलग बॉक्स कार्टन पैक किए जाते हैं। हर साइज का अलग ऑप्शन होता है, हर साइज का एप्पल का अलग प्राइस होता है। जो मेजोरिटी ऑफ द साइज एप्पल के लॉट में या एप्पल के पेड़ में मिलता है वो मीडियम और लार्ज साइज मिलता है। मीडियम और लार्ज साइज का जो परसेंटेज है लगभग 50-60% के करीब होता है। तो वही साइज मीडियम और लार्ज सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है, सबसे ज्यादा हाई रेट उसका मिलता है मार्केट के अंदर और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज और जो स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल वो कम प्रीफर किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जितना बड़ा साइज है उसकी स्टोरेज लाइफ भी कम होती है, उसको रखना भी मुश्किल होता है, और छोटा साइज के एप्पल आप स्टोरेज लंबे समय तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी पैरामीटर है क्वालिटी चेक करने का वो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफेक्ट। एप्पल में किसी तरह का कोई बाहरी या अंदरूनी नुक्स नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एप्पल में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रेशर डैमेज, स्टेम डैमेज, हील डैमेज, स्कैप, रस्टिंग, और उसमें मैकेनिकल डैमेज, होल्स, और इंटरनल डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इंटरनल रॉटिंग होती है, वाटर कोर होता है, बिटर पीट होता है। तो ये सारे डिफेक्ट्स एप्पल में होते हैं, वो एक अलग विषय है जिसके बारे में कभी किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा हर डिफेक्ट के बारे में। लेकिन एप्पल में अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जब सेलेक्ट करते हैं एप्पल तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफेक्ट। इंटरनल डिफेक्ट जो है आपको फ्रूट को काटने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल डिफेक्ट है आप देख करके पता लगा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल डिफेक्ट्स हैं उसमें प्रेशर मार्क्स, मतलब वहाँ एक सॉफ्ट पैच बना होगा, उसमें अगर आप स्किन को पील करेंगे तो अंदर से ब्राउनिंग मिलेगी। वो सॉफ्ट पैच है, वो आपस में फ्रूट जब टच करते हैं आपस में उसकी वजह से डेवलप हो जाता है। तो सॉफ्ट पैच, प्रेशर डैमेज और कट्स या मैकेनिकल डैमेज कॉमन है। इसके बाद रस्टिंग, मतलब एप्पल का जो स्टेम एरिया है उसके आसपास का डिसकलर्ड सा एरिया होगा, दैट्स कॉल्ड रस्टिंग, जिसकी वजह से एप्पल की लुक बहुत खराब लगती है। तो एप्पल में किसी तरह का कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज मैंने आपको सेब की क्वालिटी कैसे चेक करें और कौन कौन से पैरामीटर हमें चेक करने चाहिए उसके बारे में बात की। मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो एप्पल को क्वालिटी को चेक करने के जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है फ्रेशनेस, उसके बाद उसका कलर, उसके बाद उसका लुक या अपीरियंस, उसकी शाइनिंग, ग्लॉस, उसके बाद मैच्योरिटी, उसके बाद हार्डनेस या उसकी क्रिस्पीनेस, उसके बाद साइज, और उसके बाद उसके एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेक्ट्स।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, ये जो सीरीज है 100 दिन के अंदर एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनी है, ये मैं पिछले कुछ हफ्तों से चला रहा हूँ। आज मेरा 24वां एपिसोड था। अभी इसमें 100 एपिसोड पूरे कर रहे हैं, काफ़ी एपिसोड बाकी हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे सारे एपिसोड देखते हैं और अगर मेरे आप सारे 100 के 100 एपिसोड देखेंगे शुरू से एंड तक, तो अगर आप कभी कहीं भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे या किसी टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो नॉलेज, जो अलग अलग विषयों पर मैं आपसे हर एपिसोड में बात करता हूँ, उसमें ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैंने अपने 40 साल से ज़्यादा के अनुभव में प्राप्त की है। कई चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, और कल मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। नमस्कार।